हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। तो मैं आई हूँ आज अपनी नानी के घर, और ये है निचली तरफ को सतलुज नदी, आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी। और ये है मेरे साथ मेरी नानी। हेलो बोल दो। हेलो। और बस जी, और आपको मैं और लोगों से भी मिल पाऊंगी। और ये है इनका गाय वाला शेड जहाँ ये गाय वगैरह रखते हैं। और मैं नानी के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर है फंक्शन जो कि कल होने वाला है। तो आज हम शाम को ही आ गए, और अभी मैं दिन में पहुँच गई हूँ, 4 बजे पहुँच गई थी मैं मतलब। तो बस अभी हम थोड़े बहुत तैयारियाँ वगैरह कर लेते हैं और फिर कल वाले फंक्शन में आप लोगों को भी दिखाएंगे। और अभी शाम के टाइम थोड़ा बहुत यहाँ पे डांस वगैरह होगा और काफ़ी लोग भी आएंगे, तो मैं ज़्यादा शूट तो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म भी आती है। पर जो भी होगा मैं कैप्चर करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी ना यहाँ पे ना बकरियाँ वगैरह ना मे कर रही है, तो मैं आप लोगों को बकरियों से भी मिलवा देती हूँ। और ये है बकरियों के बच्चे, और वो बकरी अंदर से अपने बच्चों के लिए चिल्ला रही है। और ये है मेरी नानी का घर, और अभी हम लोग ना पतियों के लिए जा रहे हैं क्योंकि ना अभी बस मैं आटा गूंथ के आई हूँ ना। तो फिर मामी जी ने बोला कि ना पतियाँ हैं काट के रखी हुई, तुम लोग लेकर आ जाओ। तो मेरी एक कज़न है और मेरी सिस्टर है, तो हम लोग ना पतियों के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग, मेरी कज़न और मेरी सिस्टर, तो दोनों आगे चली गई है, तो मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे। मैंने बोला मैं आती हूँ, तब तक तुम चलो। और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये है मेरी बहन और मेरी कज़न, दोनों बहनें मतलब मेरी, और मामू जी पत्तियाँ काट रहे हैं पेड़ से, और अभी हम ले जाएंगे। और मैं आपको ना यहाँ से दिखा देती हूँ सतलुज नदी। ये देखो काफ़ी सुंदर है। और इन्होंने ना यहाँ पे खेत में ये लगाया है लहसुन, आई थिंक लहसुन ही है। और ये है धनिया, बस ये है इनका खेत। गाँव में आकर बहुत अच्छा लगता है, जब भी हम आते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा काम करके जाते हैं गाँव में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे शांत सा माहौल होता है, शहर से बिल्कुल अलग शांत सा माहौल, और काफ़ी अच्छा, अच्छी फीलिंग आती है। और चले के लेकर थोड़ी मैं भी उठा के ले चलती हूँ। A few moments later.
हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे और आज है तेल सेरेमनी, तो अभी अंदर हो रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और कल रात को तो सिर्फ हम लोगों ने, बिजी थे बहुत ज़्यादा, तो प्रिपरेशंस वगैरह हो रही थी और शाम को मेहंदी वगैरह लगाई मैंने, मतलब मामी जी और लोगों को। बस तो आज है मेरे मामू के दो बेटे हैं ना, तो उन दोनों का तेल सेरेमनी है, तो आज वो हो रही है, तो अभी हम तेल वगैरह लगाएंगे, अभी दिखाऊंगी। और अभी ना बहुत तेज़ धूप हो गई है, तो ना बाहर खड़े होना तो बहुत मुश्किल का काम है। तो बस जी, अभी मैं आप लोगों को तेल सेरेमनी में ले चलती हूँ और आई होप मैं आप लोगों को ठीक बता रही होगी, बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और अभी और मैं आपको ये बता देती हूँ कि तेल क्यों पड़ रहा है, बिकॉज अभी ना इनको जनेऊ पड़ेगा, तो मतलब जनेऊ का मतलब ये होता है कि आधी शादी, तो आधी शादी हो रही है, मेरे मामू के दो बेटे हैं उन दोनों की हो रही है, और साथ में उनके कोई और भी है पड़ोस में, तो उनकी भी है, तो साथ में सबकी हो रही है। तो बस जी, रस्म स्टार्ट हो गई है, तेल डलना शुरू हो गया है। तो ये है इनकी मम्मा, मतलब मेरी मामी जी, तो ये तेल लगा रहे। सबसे पहले मम्मी का काम होता है लगाने का, उसके बाद पापा लगाएंगे इनके, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके सब लोग लगाते रहेंगे, मतलब 4-5 बार तेल पड़ता है, तो ऐसी ही ये रस्म होती रहेगी। और आप लोग देखते रहिए और आपको मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कि क्या हो रहा है। और बैकग्राउंड में जो ये म्यूज़िक चल रहा होगा ना, ये मैं आपको बताऊँगी, ये एक रस्म होती है, मतलब ये गीत होते हैं पहाड़ी गीत ना, तो ये गाना शुभ होता है मतलब, तो इसलिए ये जो पिछली तरफ को ना लेडीज़ बैठी है, तो वो गीत गा रही है। तो बस जी, तो आप देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। तो अब आ गई नानी जी की बारी, अब नानी जी डाल रहे हैं तेल, और ये पिछली तरफ को मेरी मम्मा खड़े हैं और ये दे रहे हैं नानी को तेल कि आप डालो। तो बस इन्जॉय करते रहिए, जो जो होंगे वो उनको मैं आपको बताती रहूँगी कि ये मेरे क्या लगते हैं। और ये है मेरे नाना जी, और ये थोड़े बीमार है, तो इनको थोड़ा पकड़ पकड़ के करवाना पड़ता है, तो ये भी डाल रहे हैं अपने हाथों से तेल। तो बस जी,
और ये है वो लेडीज़ जो गीत गा रहे हैं, और साथ में मेरी मम्मा भी बैठे हुए हैं। और ये ना हर फंक्शन में गाना इम्पॉर्टेंट होता है, ये एक ना रस्म होती है और ये शुभ माना जाते हैं गीत गाने ना, तो इसलिए ये लोग गा रहे हैं। और ये पंडित जी इनको कंगना पहना रहे हैं, मौली होती है, मौली के साथ साथ कंगना भी पहनाते हैं ना, वो पहना रहे हैं ये इनको ना। फिर उसके बाद दोबारा से तेल पड़ना शुरू होगा, क्योंकि तेल ना 3, 7, 5 ऐसे से पड़ता है ना, तो इस तरह से पड़ेगा। तो बस अभी दूसरी बार डलना शुरू होगा दोबारा से, तो इसलिए बस जी। और अब ना इन तीनों को वो मतलब उस रूम से बाहर ला रहे हैं जहाँ पे पूजा हो रही थी, अब बाहर आंगन में रखेंगे, वहाँ पे मंडप बना है वहाँ पे बिठाएंगे इनको। और हल्दी इनको वैसे अंदर लग गई है, पर इनको दोबारा से अब इनको नहलाना है ना, तो वो हल्दी भी निकालेंगे और वापस से थोड़ी सी और लगाएंगे, ये भी एक रस्म ही है। और तो इन लोगों को अभी हल्दी दोबारा से लगाएंगे और फिर नहलाएंगे, तो आप देखते रहिए। और कमेंट करके मुझे ये बताना कि क्या आप लोगों की भी ऐसी कोई रस्म होती है, या शादी के टाइम या शादी से पहले, तो मुझे ज़रूर बताना। हमारे तो होती है। तो अभी इनको दोबारा से हल्दी लगा रहे हैं और फिर इनको नहलाएंगे, फिर इनको एक साधु टाइप बनाएंगे, फिर ये ना भिक्षा मांगेंगे हम लोगों से और फिर हम इनको देंगे। बस ये ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। और अब इनको जनेऊ बनना शुरू हो गया, ये जो ये पंडित जी के हाथ में धागा है ना, ये इनको डलेगा इनकी शरीर में, तो इन तीनों को इस तरह से ही डालेंगे। अब ये नहा धो के तो आ गए, अब इनको ये जनेऊ पहनाएंगे, उसके बाद फिर इनको एक ये जो झोली जैसी दे रखी है ना, इसमें इनको भिक्षा देंगे। अब ये बाहर वापस से आएंगे और फिर इनको भिक्षा देंगे हम लोग। अब इन लोगों को दोबारा से उस रूम से बाहर लाया जा रहा है, क्योंकि अब इनसे भिक्षा मंगवाई जाएगी, ये भी एक रस्म ही होती है। तो अब इन तीनों को बाहर लेकर आए, थोड़ी सी इनकी पूजा होगी, पूजा करवाएंगे इनसे मतलब, और फिर उसके बाद इनको बोलेंगे, मतलब ये भी जो हम लोग बैठे होंगे ना उनसे ये हमारे पास, हम इनको चावल के दाने और बहुत कुछ देंगे, बस ये होता है बस। तो आप देखते रहो कि क्या क्या होता है। इन लोगों की पूजा करने के बाद अब ये लोग स्टार्ट हो गए हैं भिक्षा मांगना, तो अब हम सारी बहनें इनको भिक्षा देगी और बस, और ये कहेंगे भिक्षाम देही, ये इनका वर्ड होता है, ये इनको बोलना होता है तब इनको भिक्षा मिलेगी। तो ये इन लोगों ने बोला है, तो सब इनको चावल मतलब अनाज का अनाज देते हैं इनको ना, बस यही होता है, ये 3-4 बार इनका चलता है फिर बस।
तो बस जी, भिक्षा लेने के बाद अब हो गई है आरती शुरू। तो अब मामी जी आरती कर रहे हैं और बस। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून। Thank you.